नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नौसेना के ठिकानों पर हमला कर सकता है आतंकवादी संगठन लश्कर। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा की नौसेना शाखा भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठानों पर समुद्र के रास्ते से हमला कर सकती है। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से आई एक संदिग्ध नाव को हिंद महासागर में उड़ाने को लेकर उठे विवाद के बीच लश्कर ये साजिश रच रहा है। दूसरी ओर नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डी के शर्मा ने कहा कि नौसेना किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। बिहार विधानसभा में विश्वास मत से पहले ही मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। मांझी ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि उनके समर्थकों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। वे यह भी नहीं चाहते थे कि विधानसभा से उनके समर्थक विधायकों की सदस्यता समाप्त हो। मांझी ने कहा कि जब यह स्पष्ट हो गया कि विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी विश्वास मत के दौरान गुप्त मतदान की अनुमति नहीं देंगे, तो मैंने सोचा कि अपने समर्थकों को खतरे में डालना उचित नहीं। दूरदर्शन बांट सकता है विश्व कप मैचों के फीड। दूरदर्शन विश्व कप क्रिकेट के लाइव फीड निजी केबल ऑपरेटरों से साझा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले पर रोक लगाने से यह रास्ता साफ हुआ है। उच्च न्यायालय ने स्टार इंडिया लिमिटेड की उस याचिका को मंजूरी दी थी जिसके पास विश्व कप के प्रसारण के विशेषाधिकार हैं। इस याचिका पर अदालत ने प्रसार भारती को मैच के लाइव फीड निजी केबल ऑपरेटरों के साथ नहीं बांटने के निर्देश दिए थे। दिल्ली में विदेशी महिला से दुष्कर्म। दिल्ली में एक सनसनीखेज घटनाक्रम में कुछ लोगों ने एक विदेशी महिला से दुष्कर्म किया। रेप के बाद आरोपियों ने महिला को डीएनडी टोल प्लाजा के पास फेंक दिया। पुलिस ने सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।